एक दिन की बात है, एक जेल के गार्ड रोहन को एक नोट मिलता है। उस दिन सारे कैदियों को उस जेल में एक साथ रखा गया था। रोहन उस नोट को देखता है, वो एक कोडेड फॉर्म में लिखा रहता है। रोहन को वो कोड समझ नहीं आता, तो रोहन उस नोट को पुलिस इंचार्ज के पास लेकर जाता है। पुलिस इंचार्ज कोड को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं, और उस रात वो ड्यूटी पे जेल के पास ही रहते हैं, जिससे कि कैदी जेल से भाग नहीं पाए। लेकिन पुलिस इंचार्ज को ऐसा क्यों लगा कि आज कैदी भागने वाले हैं? कैसे और ऐसा क्या लिखा था उस कोड में? दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है ये कोड? मुझे कमेंट करके बताएं। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये कोड है जेल ब्रेक एट 3 AM। इसलिए पुलिस इंचार्ज ने पूरी नाइट ड्यूटी की और कैदी को भागने से बचा भी लिया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपको ये इमेज ध्यान से देखनी है और बताना है कि प्रिजन यानी कि कैदी कहाँ छुपा हुआ है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये प्रिजन यहाँ छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आप ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार की बात है, रोहन पुलिस को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। रोहन पुलिस को बताता है उसकी वाइफ प्रिया का पर्स चोरी हो गया है। पुलिस प्रिया से पूरी बात पूछती है। प्रिया बताती है कि वो एक ज्वेलरी शॉप पर शॉपिंग के लिए जाती है और फिर वो अपनी कार को रोड के साइड में रोक देती है। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरी, एक बाइक वाला आया और मेरा पर्स छीन कर चला गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे। पुलिस प्रिया की पूरी बात सुनते हैं और फिर प्रिया से बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम रोहन को सब सच बता दो कि तुमने सारे रुपए खर्च कर दिए हैं। दोस्तों, पुलिस को कैसे पता चला कि प्रिया झूठ बोल रही है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। प्रिया एक राइट हैंड साइड की कार ड्राइव करती है। वो अगर कार से उतरती तो राइट साइड से उतरती, वो भी फुटपाथ पर। लेकिन उसने तो झूठ बोला कि जैसे ही वो रोड पर उतरी उसका बैग छीन लिया, मतलब कि उसने सारे रुपए खर्च कर दिए थे। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। ये एक क्विज है। उस इंसान का क्या होता है जिसका लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट कट हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। हम बोलेंगे ही इज ऑल राइट। दोस्तों, आपने क्या सोचा था, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब एक और क्विज देखते हैं। ऐसी कौन सी सिटी है जहां इंसान नहीं रहते हैं? इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको एक क्विजेस? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए एक और देखते हैं। ऐसा कौन सा एनिमल है जो बेसबॉल में बेस्ट है? दोस्तों, इसका आंसर है अ बैट। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन रोशनी को एक चुड़ैलों की रानी किडनैप कर लेती है। वो रानी रोशनी को मारना चाहती है, लेकिन वो रोशनी से बोलती है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। एक बैग में दो स्टोन्स है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का।
रेड स्टोन का मतलब तुम बच जाओगी और ब्लैक स्टोन का मतलब तुम मर जाओगी। तुम्हें उन दोनों स्टोन्स में से एक स्टोन को चुनना है, लेकिन रानी रोशनी के साथ चिटिंग करती है और उस बैग में दोनों ही ब्लैक स्टोन्स को रख देती है ताकि रोशनी मर जाए। लेकिन रोशनी को ये पता चल जाता है कि बैग में दोनों स्टोन्स ब्लैक है, रानी ने चिटिंग की है। दोस्तों, आपको बताना है कि अब रोशनी क्या करे कि वो बच जाए, वो रानी से ज्यादा ओवर स्मार्ट कैसे बने। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। रोशनी एक स्टोन को बिना देखे बाहर गिरा देती है, फिर वो जब देखती है तो वो रानी से बोलती है, ओह सॉरी, ये गलती से हो गया, मुझे बैग में दिखाओ कौन सा स्टोन है, फिर मैं उन दोनों में से एक स्टोन चुन लूंगी। रोशनी बहुत क्लेवर होती है। रानी दूसरा स्टोन बताती है और अपनी मिस्टेक को रियलाइज करती है कि उसने रोशनी के साथ चीटिंग की है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर्स है, आपको इनको ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में टोटल चार डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इस हाथी की पूंछ नहीं है, और ये देखिए यहाँ पर मंकी नहीं है, और ये देखिए यहाँ पर उल्लू नहीं है, और ये यहाँ पर एक बैलून कम है। तो दोस्तों, क्या आप ढूंढ पाए थे डिफरेंसेस? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पांच लोग काम कर रहे हैं, आपको इन पांचों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन सब में से किलर कौन है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, किलर है ये वाला आदमी, क्योंकि इसने अपने कोट में एक गन छुपा रखी है। दोस्तों, क्या आप ढूंढ पाए थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर्स है, इसमें दोनों बाथटब में नहा रही हैं। एक लड़की है, वो बाथटब में नहाते नहाते ड्रायर यूज कर रही है, और एक लड़का है, वो बाथटब में नहाते नहाते लैपटॉप यूज कर रहा है। दोस्तों, आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मूर्ख है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। दोस्तों, इन दोनों में से ज्यादा मूर्ख है लड़की, क्योंकि लड़की के पास जो ड्रायर है उसका वायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा हुआ है, तो उससे उसे करंट भी आ सकता है, लेकिन लड़के के लैपटॉप का वायर बाहर निकला हुआ है तो वो सेफ है। चलिए दोस्तों, अब टाइम है मेरे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर बताने का। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में पूछा था, विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उन लोगों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अब टाइम है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, इन दिनों हीमा दास न्यूज में बहुत चल रही है, तो मेरा आज का क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। आपको बताना है हीमा दास ने रिसेंटली एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताना, इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जो लोग सही आंसर देंगे उनका नाम मैं स्क्रीन पर मेंशन करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेली, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू व्यूअर्स।